66 विधानसभा का जो प्रत्याशी सीट बीजेपी ने जारी कर दिया, और उन सीटों पर बात करेंगे, उन सीटों पर चर्चा करेंगे जिन सीटों पर जयराम महतो का चर्चा अच्छा से है और जयराम महतो का पकड़ भी अच्छा से है, तो वो किस प्रकार से आपसू और बीजेपी को डैमेज करेगी, उन तमाम चीजों पर हम लोग बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कहां से किसको सीट मिला है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बेरमा विधानसभा क्षेत्र से, जहां के वर्तमान विधायक अनूप सिंह है, लेकिन बीजेपी से वहां पे टिकट रविंदर पांडे को दे दिया गया है। रविंदर पांडे जी हां, वो गिरिडीह लोकसभा से एमपी भी थे और फिलहाल कुछ देर के लिए उनको बीजेपी पार्टी रेस्ट कर दी थी, लेकिन उन्हें फिर से बीजेपी पार्टी ने टिकट दे दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं बोकारो विधानसभा क्षेत्र में, तो बोकारो विधानसभा के जो पूर्व के विधायक थे बिरंची नारायण को पुनः एक बार फिर से पार्टी ने मौका दिया और फिर से उनको बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ाया जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोग चंदन क्यारी विधानसभा, तो चंदन क्यारी विधानसभा अमर बावरी जी आपको पता होगा कि बीजेपी के एक बड़े नेता बन गए हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको चंदन क्यारी का सीट दे दिया गया है। हालांकि आपको पता होगा कि वहां के जो कॉम्पिटिटर है आसू पार्टी के थे उमाकांत रजक, वो अब जेएमएम में चले गए हैं, तो ऐसे में जाने से वहां का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया, क्योंकि जयराम महतो भी वहां एक फैक्टर है। फिर बात करते हैं हम लोग सिंदरी विधानसभा आपको पता होगा इंद्रजीत महतो कोरोना के टाइम से ग्रसित हुए थे, तो अभी लगातार एक लंबे समय से वो बीमार चल रहे हैं और बीमार पड़ने के बाद में उनके धर्मपत्नी तारा देवी को टिकट दे दिया गया है, तो वो बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। आगे बात करते हैं झरिया से रागिनी सिंह आपको पता होगा पूर्णिमा नीरज सिंह की गोतनी मानी जाती है और वो बीजेपी के सिंबल से टिकट लड़ेगा, तो फिर से जो पिछला चुनाव कसमकस हुआ था उसी प्रकार का चुनाव इस बार भी होने वाला है। फिर आ जाते हैं हम लोग बागमारा में ढुल्लू महतो विधायक थे, लेकिन अब वो सांसद बन गए, लेकिन अब बागमारा से टिकट दे दिया गया है शत्रुघ्न महतो जो कि बीजेपी के एक बड़े नेता माने जा सकते हैं और ढुल्लू महतो के भाई भी है, तो बीजेपी के सिंबल से लड़ेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग कोल्हान का घाटशिला विधानसभा, जहां पे जेबीकेएसएस का बहुत ही अच्छा पकड़ है, वहां से बाबूलाल सोरेन जो कि चंपई सोरेन के बेटे हैं, चंपई सोरेन को बेटा को टिकट दे दिया गया है बाबूलाल सोरेन जी को घाटशिला से। फिर आ जाते हैं हम लोग जमशेदपुर पूर्वी यूं कहे तो जहां से रघुवर दास पहले सीएम हुआ करते थे और वहां से वो अभी राज्यपाल बन गए हैं, तो वहीं से अब टिकट दे दिया गया है उनकी जो शायद पुतोहू है, उनका नाम है श्रीमती पूर्णिमा दास साहू जी, उनको टिकट दे दिया गया है। फिर आ जाते हैं चंपई सोरेन का जो सीट पड़ता है सरायकेला से, इस बार वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अंतर ये है कि वो अब जेएमएम के टिकट पे नहीं बल्कि वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार देखना बहुत ही ज्यादा रोमांचक होगा कि जेएमएम और बीजेपी में जाने से उनका क्या प्रभाव पड़ा है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं खूंटी विधानसभा से नीलकंठ सिंह मुंडा को टिकट दिया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग राजधानी रांची में सीपी सिंह एक लंबे अरसे और लंबे समय तक रहे हैं वहां के कैंडिडेट, लेकिन इस बार पुनः पार्टी ने उस पर विश्वास जताया और पुनः एक बार उन्हें फिर से विधायक का चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। हालांकि उनका उम्र हो गया है, उम्र दराज हो गया है, लेकिन फिर भी पार्टी ने उस पर एक विश्वास जताया। फिर हम लोग राजधानी से सटे हुए एरिया कांके में आ जाते हैं, तो कांके से कमलेश राम का टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा था, लेकिन कांके से कमलेश को टिकट ना मिल करके जीतू चरण राम को पुनः टिकट दिया जा रहा है, तो देख सकते हैं किस प्रकार से समरी लाल जी वहां के विधायक थे और समरी लाल जी का इस बार टिकट काट दिया गया, हालांकि वो विवादों में रहे थे बहुत ही लंबे समय से, तो उनका टिकट भी काट दिया गया है और इस प्रकार से वहां पे कांके से जीतू चरण राम जी लड़ेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग मांडर में, उसमें से सन्नी टोपो जी चुनाव लड़ेंगे। फिर आ जाते हैं गुमला साइड में सिसई, तो सिसई से अरुण उराव जी लड़ेंगे, गुमला से सुदर्शन भगत जी लड़ेंगे और बिशुनपुर में समीर उराव लड़ेंगे। इन सभी सीटों में है जो कि जयराम महतो का थोड़ा बहुत पकड़ रहेगा। अब आ जाते हैं सारठ जो कि संथाल परगना क्षेत्र में पड़ता है, जहां से रणधीर सिंह विधायक हुआ करते थे और आपने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट वगैरह भी देखे होंगे पहले, तो वहां से रणधीर सिंह जी पहले विधायक थे और इस बार पुनः उनको रणधीर सिंह को टिकट दे दिया गया है, तो इस प्रकार से जो है कि टिकट है। फिर आ जाते हैं हम लोग दुमका में, दुमका से सुनील सोरेन जी को मिलेगा, जामा से सुरेश मुर्मू जी को मिलेगा, जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर जी को मिलेगा और हम लोग बात करते हैं गोड्डा का, तो गोड्डा का जो आपको पता है कि अमित कुमार मंडल जी पहले भी थे और अभी भी पुनः उनको टिकट मिला है। और सबसे रोचक विधानसभा ये है कि आसू के नेता थे रोशनलाल चौधरी, पिछले बार जो लड़े थे चुनाव वो आसू के सिंबल से लड़े थे बड़का गांव से, लेकिन इस बार वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी से आसू के सिंबल में वो चुनाव लड़ेंगे, तो इस बार वहां की विधायक है अंबा प्रसाद, तो यहां वहां का कंपटीशन जो है इस बार बहुत ही ज्यादा हाइपर होने वाला है, क्योंकि आसू और जेएमएम जो है कि गठबंधन के साथ लड़ेगी और वहां पे अंबा प्रसाद भी एक बड़ी कांग्रेस की युवा नेत्री मानी जाती है, तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग होगा। फिर हम लोग बात करते हैं आगे बात करते हैं कि बगोदर से नागेंद्र महतो जी लड़ेंगे, फिर जमुआ से मंजू देवी लड़ेंगी, फिर गांडे से जो सुनीता मुनिया देवी है वो चुनाव लड़ेगी। आप लोगों को पता होगा कि गांडे से सीएम की वाइफ कल्पना सोरेन जो है कि वहां से विधायक है वर्तमान में। इस प्रकार से गिरिडीह लोकसभा से निर्भय कुमार सहवादी को दिया गया है, तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे सीट है जहां से जयराम महतो खुद
बहुत ही मजबूत है और वहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट दे दिया, तो इस समय बीजेपी को जयराम महतो कितना डैमेज कर पाते हैं या बीजेपी जयराम महतो को कितना डैमेज करेगा, इन सभी चीज़ों पर देखना जरूरी है। हालांकि हमने कुछ कुछ सीटों का नहीं बताया जो कि आजसू को मिला है और जेडीयू को मिला है और एक सीट लोजपा को मिला है, तो उन सभी सीटों के बारे में हमने कल ही डिस्कस करके बता दिया था कि किन किन कौन कौन से सीट जो है कि वो आजसू को मिला है। तो आप लोगों को पता होगा कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र जहाँ से टाइगर खुद लड़ रहे हैं वो सीट जो है कि जयराम महतो अपने पार्टी से लड़ रहे हैं और वहाँ पे बीजेपी गठबंधन यानी यूं कह सके तो एनडीए गठबंधन के तरफ से अभी कैंडिडेट का घोषणा नहीं किया है, तो बहुत ही जल्द हो सके उनका जो घटक दल है आजसू के द्वारा उनके द्वारा घोषणा किया जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा।